नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 को लेकर धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जब कोरोना संक्रमण आया था तो सभी वर्गों ने आगे बढ़कर इस चुनौती से सामना करने में सहयोग किया। इसी का परिणाम रहा कि राजस्थान कोविड से निपटने में सबसे आगे रहा। यहाँ रिकवरी दर सबसे अच्छी होने के साथ ही मृत्यु दर काफी कम रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की जीती हुई जंग हम हार नहीं जाए, इसके लिए जरूरी है कि कोरोना की शुरुआत के समय जो सतर्कता और सजगता हमने बरती उसे हम निरंतर बरकरार रखें। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लोगों को चेताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लापरवाही की इजाजत नहीं है। प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है, सभी लोग इसकी पालना आवश्यक रूप से करें। अगर लोग लापरवाही करेंगे तो सरकार और भी सख्त कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सावधानी ही इस चुनौती से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। अब तक हमारा कोरोना प्रबंधन पूरे देश में बेमिसाल रहा है। हर वर्ग के सहयोग से राज्य सरकार आगे भी इस जंग को बेहतरीन तरीके से लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में भी पॉजिटिव केस बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण दुनिया के कई देशों और भारत के कई शहरों में तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बने और जीवन रक्षा के साथ साथ हमारी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि कोविड अनुशासन की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब तक वैक्सीनेशन में सबसे आगे रहा है, हमें इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हालांकि ये कार्य वैक्सीन की अधिक आपूर्ति से ही संभव हो सकेगा। उन्होंने अपील की कि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, साथ साथ लोगों को दूसरी लहर को लेकर भी जागरूक करें ताकि वे किसी तरह की ढिलाई नहीं बरते। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एनबीसी न्यूज 24।